Hey guys, welcome back to our channel Sun Auto। दोस्तों कुछ दिन पहले ही कावासाकी ने Z650RS को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जहां कंपनी ने ये भी कंफर्म किया था कि वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही अपने कुछ नए मॉडल्स को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 3 बाइकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लॉन्च होने के चांसेस सबसे पहले है। अगर आप भी आने वाले टाइम में कोई कावासाकी की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट बाइक है कावासाकी W175, जो आज के लिस्ट की तीनों बाइकों में से सबसे पहले लॉन्च होने वाली है और एक रेट्रो क्लासिक बाइक होने के कारण बाकी रेट्रो लुकिंग बाइक के जैसा ही आपको इसमें राउंडेड हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक, स्पोक व्हील्स और एक राउंडेड फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलने वाला है, जिसमें आपको सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसके अलावा भी बाइक में आपको हैलोजन हेडलाइट, LED टेल लाइट, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक एनालॉग मीटर कंसोल दिया जाने वाला है। बाइक को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको इसमें सेंटर सेट फुट पेक्स, अपराइटिंग हैंडल बार और एक हेवी कुशनिंग वाली सिंगल सीट मिलने वाली है। कावासाकी W175 में पावर जनरेट करने के लिए आपको इसमें 175cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कॉम्पैक्ट इंजन का यूज किया जाएगा, जो 13 BHP के आसपास मैक्सिमम पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। सेफ्टी सेटअप के तौर पे बाइक के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक का यूज किया गया है। इसके साथ ही आपको इसमें सिंगल चैनल ABS भी दिया जाने वाला है। बाइक में सस्पेंशन का काम करने के लिए फ्रंट की तरफ आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया गया है। फाइनली दोस्तों बाइक के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इस बाइक को जो है इंडियन मार्केट को देखकर ही बनाया गया है, जिस वजह से इसका प्राइस थोड़ा डाउन रहने वाला है। ये आपको 1.75 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के साथ अवेलेबल हो जाएगी। और इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसकी टेस्टिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी और फिलहाल ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि इसकी टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है ये बाइक इसी साल के दिसंबर तक लॉन्च हो सकती है। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है कावासाकी निंजा 400। ये बाइक को जो है कुछ टाइम पहले ही इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने अब एक कंफर्म कर दिया है कि इस बाइक को BS6 अपग्रेड के साथ बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। BS6 अपग्रेडेड इंजन होने के कारण आपको इसके पावर और टॉर्क में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकती है। लगभग 49 BHP के आसपास मैक्सिमम पावर और 38 Nm के आसपास टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। साथ ही इसमें आपको 399cc का पैरेलल ट्विन DOHC लिक्विड कूल इंजन दिया जाएगा। इस पावर के साथ ये बाइक 170 to 180 km/h तक की टॉप स्पीड इजिली दे पाएगी। बाइक के सस्पेंशन का काम करने के लिए इसके फ्रंट में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया गया है। साथ ही बाइक में आपको 6-speed ट्रांसमिशन, LED लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा, डुअल चैनल ABS रहेगा आपके सेफ्टी के लिए और मीटर कंसोल इसका एनालॉग प्लस डिजिटल में होने वाला है, जिसमें आपको सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। BS6 अपग्रेड के साथ ही आपको इसमें न्यू कलर ऑप्शंस और न्यू बॉडी ग्राफिक्स भी देखने को मिल सकती है। बात करें बाइक के प्राइस की तो कावासाकी निंजा 400 के BS6 मॉडल का एक शोरूम प्राइस 4.80 लाख के आसपास रह सकता है और एक अपग्रेडेड मॉडल होने के कारण ये बाइक कभी भी लॉन्च हो सकती है, लेकिन आप 2022 का स्टार्टिंग मान के चलिए। आज के हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक है कावासाकी G400, जो निंजा 400 का ही नेकेड वर्जन है। इस वजह से इसमें भी आपको सेम 399cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल DOHC BS6 कॉम्पैक्ट इंजन दिया जाएगा, जो 49 BHP के आसपास मैक्सिमम पावर और 38 Nm के आसपास टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। कावासाकी G400 एक नेकेड वर्जन होने के कारण इसकी टॉप स्पीड निंजा 400 से थोड़ी कम रहने वाली है, जो 160 to 170 km/h तक की टॉप स्पीड प्रोवाइड करा पाएगी। कावासाकी G400 निंजा 400 का ही नेकेड वर्जन होने के कारण आपको इसमें सेम स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिलने वाले हैं, 6-speed ट्रांसमिशन, LED लाइटिंग सेटअप और एक एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसी के साथ ही बाइक के फ्रंट में आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में गैस चार्जिंग शॉक एब्जॉर्बर का भी यूज किया गया है। फाइनली बाइक के प्राइस की बात करें तो ये कावासाकी 400 का नेकेड वर्जन होने के कारण इसका प्राइस थोड़ा कम ही रहने वाला है। ये आपको 4 लाख से 4.50 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के साथ 2022 में लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है।